नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तहत लगे लाखों युवाओं के लिए कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सभी को जॉब इसका डबल फायदा होगा। 1.20 लाख जो कच्चे कर्मचारी आजकरण के थ्रू लगे हुए हैं, उनको जॉब इस चीज़ का फायदा होगा। कर्मचारियों को मिलेंगे जॉब हर लाभ। आप साथियों ने दिखाई दें सारे इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को मुद्दा बनाने के प्रयास में राजनीतिक दल, यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है, जिसके तहत भाई कांग्रेस सरकार अपने वादे कर रही है और बीजेपी सरकार अपने वादे कर रही है। चुनावी दिनों में नए नए मुद्दे उठाते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम मुद्दा चर्चा में है। भाई यहाँ बता दें कि भाजपा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया था भाई, और विभिन्न विभागों में जो कच्चे कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से लगते थे, तो अब जॉब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए उनको लगाया गया है। ठेकेदारी प्रथा लगभग बंद करी गई है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं जो ठेकेदारी प्रथा से जूझ रहे हैं, और उसके तहत जो सैलरियाँ वो मिनिमम वेजेस की दर मिले हैं, यानी कि 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरियाँ उनको मिले हैं। भाई अक्सर ये शिकायतें आती थी कि शोषण कर रहे हैं भाई ठेकेदार उनका, जिसके चलते कि निगम का गठन किया गया। विभिन्न विभागों में कच्चे कर्मचारियों को नियुक्त कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की गई जो उनकी नियुक्तियाँ। भाई कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने इस निगम को शुरू से ही निशाने पर रखा भाई, क्योंकि उनका आरोप था कि निगम के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में न तो मेरिट है न आरक्षण देखा जाएगा। विपक्ष का यह भी कहना था कि बैकडोर के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही है, सरकार पक्की भर्ती नहीं करना चाहती, इसलिए निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही है। काफ़ी समय तक विपक्ष पर यह आरोप लगता रहा, लेकिन जब भाजपा को लगा कि विपक्ष इस मुद्दे आने वाले चुनाव में मुद्दा बना सकता है, तो भाजपा ने भी इस दिशा में जो गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। तो भाई जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जब बार बार पूछा जाव था, तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि या कुछ टाइम के लिए नौकरी है या कोई पक्की नौकरी नहीं है। लेकिन जैसे नायब सैनी जी आए, इन्होंने जो बैठक में निर्णय ले लिया कि कौशल निगम के कर्मचारी को रिटायरमेंट तक हटाया नहीं जाऊगा, उनको पक्के कर्मचारी की भत्तियाँ लाभ भी दिए जाऊँगे। लगभग 1.20 लाख कर्मचारी इस फैसले में कवर हो गए, जबकि जिन कर्मचारी का वेतन ज़्यादा था उनका ऑर्डिनेंस जॉब पास नहीं हो पाया, जिसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में जॉब आचार संहिता लगने के कारण रोक दिया गया। कांग्रेस कर्मचारियों का जॉब कार्ड बनाने में प्रयास है, तो वह इस प्रकार से कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं इनको पक्का करने, सफाई कर्मियों को रेगुलर करने, वेतन में बढ़ोतरी करने जैसे वायदे करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का बड़ा दाव चलिया भाई। कांग्रेस को पता है कि लगभग 1.5 लाख परिवारों का मुद्दा है, जिसे उन्हें अपने जॉब मैनिफेस्टो में खास तरजीह दी गई है। कांग्रेस ने कौशल कर्मचारियों को सरकार में समर्जित करने का ऐलान किया भाई, साथ ही इसमें लागू आरक्षण लागू करने की बात भी कही है, यानी कि इससे जो कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए भाई, इनका दोनों हाथ में लड्डू है। अगर कांग्रेस आएगी तो भी आपको बेनिफिट, बीजेपी आएगी तो भी आपको बेनिफिट, क्योंकि बीजेपी ने तो ऑलरेडी जो आपका ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, बीजेपी ने तो देखो लागू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस ले आए हैं तो एक्ट भी ज़रूर बनाओगे। अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आजकरण के कर्मचारी को हटाया नहीं जाओगा, उनको समायोजित करने का प्रयास किया जाओगा। तो भाई यानी कि आप साथियों को जो भी इसके अंदर डबल फायदा होगा, लेकिन अब की बार जो राजनीतिक मुद्दा रहा भाई, मुख्यमंत्री तथा तो आपने सुना होगा जो नायब सैनी जी हैं, हर रैली में जिक्र कराया है कि 1.20 लाख आजकरण के कर्मचारियों को पक्का करें। तो भाई इस प्रकार से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा, जिससे आप कर्मचारी जो है चर्चा के ऊपर बने हुए हैं। तो आप सदर की यही ताज़ा जानकारी लेके आया था भाई, ये फायदा आप साथियों को होने वाला है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाइए। ठीक है, तो आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।